एनसीपी प्रमुख शरद पवार के मुंबई स्थित घर यानी सिल्वर ओक अपार्टमेंट के बाहर स्टेट ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में पहुंचे कर्मचारी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और कुछ ने घर पर पथराव भी किया है, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 6 महीने से महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी लगातार हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई हाईकोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक काम पर लौटने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि अगर 15 अप्रैल तक कर्मचारी काम पर नहीं लौटते हैं तो निगम को उन पर कार्रवाई का अधिकार होगा। कोर्ट ने निगम को कहा है कि कर्मचारी काम पर लौटते हैं तो उन्हें काम पर हाजिर होने दिया जाए और अगले 4 सालों तक राज्य सरकार परिवहन निगम को चलाए, इसके बाद आर्थिक स्थितियों के आधार पर अगला फैसला किया जाए। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि स्टेट ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों ने एनसीपी चीफ के घर पर चप्पल भी फेंकी है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए। हालांकि बाद में दंगा गियर की टीम ने सभी को जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।